हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं लाई हूँ गेट पर्दा डिज़ाइन। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा गेट पर्दा डिज़ाइन है। इसे हमने 4-ply वूल से बनाया है, ऑरेंज और ग्रीन कलर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हम 4-ply वूल लेंगे, ऑरेंज और ग्रीन कलर, और ये 12 नंबर की मोटी क्रोशिया लेंगे। सबसे पहले हम एक लूप बना लेंगे। फिर इसके अंदर से स्लिप चेन देंगे। फिर हमें चेन बनाते जाने हैं। इस तरह से हमें चेन बनाने हैं। टोटल हम 10 चेन्स बना लेंगे। फिर लास्ट वाले में हम स्लिप चेन देके इसे बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन देंगे। इस तरह से हमें 3 चेन्स देने हैं। अब हमें ट्रिपल क्रोकेट बनाने हैं। इस तरह से दो दो करके हम बनाएंगे, दो दो को लेके स्लिप चेन देंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से ट्रिपल क्रोकेट बनाएंगे। टोटल हमें 4 ट्रिपल क्रोकेट बनाने हैं इस तरह से। अब हमें चेन्स देना है। टोटल हम 10 चेन्स देंगे। फिर हम ट्रिपल क्रोकेट बनाएंगे 4। इस तरह से हम 4 ट्रिपल क्रोकेट बना लेंगे। फिर हमें 10 चेन्स बनाने हैं। फिर हम 4 ट्रिपल क्रोकेट बना लेंगे। फिर हमें 10 चेन्स देने हैं। फिर हम 4 ट्रिपल क्रोकेट बना लेंगे। फिर हम 10 चेन्स बना लेंगे। अब हम लास्ट वाले में इसे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से फ्लावर के मिडिल वाले पोर्शन हम बना लेंगे। अब हम ऑरेंज कलर के धागा को ज्वाइन करेंगे इसके मिडिल में।
इसमें हमें स्टार्टिंग में एक स्लिप चेन देने हैं, फिर हम डबल क्रोकेट बना लेंगे, 3 डबल क्रोकेट बनाने हैं। अब हम ट्रिपल क्रोकेट बनाएंगे 3, इस तरह से दो दो लेके हम बनाते जाएंगे। हमें टोटल 3 ट्रिपल क्रोकेट बनाने हैं। अब हम 3 चेन्स देंगे। फिर हम यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोकेट बनाएंगे। फिर अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोकेट बनाएंगे। यहाँ पर हम एक स्लिप चेन बनाएंगे। फिर अब ग्रीन वाले के मिडिल में यहाँ पर दो दो छोड़ के मिडिल में बीच में हम एक स्लिप चेन देंगे। फिर यहाँ पर भी हम एक स्लिप चेन देंगे और फिर 3 डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर अब हम यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोकेट बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 चेन्स देंगे, फिर से 3 ट्रिपल क्रोकेट बना लेंगे। तीन डबल क्रोकेट बनाएंगे। यहाँ पर एक स्लिप चेन देंगे हम, इस तरह से इसके मिडिल में भी एक स्लिप चेन देंगे दो दो छोड़ के। फिर यहाँ पर एक स्लिप चेन देंगे जैसे हमने पहले किया था, इस तरह से हम इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। सेम ही बनाएंगे जैसे हमने बनाया था, ये देखिए हमने इस कंप्लीट कर लिया इसे बना के। बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए। अब हमें दूसरा जोड़ना है तो हम यहाँ तक बना लेंगे, यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोकेट करके अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। सेम वैसे ही है जैसा हमने फर्स्ट वाले को बनाया था, इसे हमें सीधा करके ही ज्वाइन करना है। इस तरह से हम इसे बनाते हुए ज्वाइन करते जाएंगे, हमें अलग से ज्वाइन नहीं करना है। फिर यहाँ पर हम 3 चेन्स बना लेंगे, फिर 3 ट्रिपल क्रोकेट करेंगे जैसे हमने पहले किया था।
फिर हम 3 डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक स्लिप चेन देंगे। अब इसके मिडिल में भी हम स्लिप चेन देंगे। फिर इस तरह से यहाँ पर स्लिप चेन देके 3 डबल क्रोकेट बनाएंगे। फिर हम 3 ट्रिपल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। अब हमें जॉइन करना है, हमें सीधा रख के ही जॉइन करना है। इस तरह से हम इसे स्लिप चेन देके जॉइन कर लेंगे। जॉइन करते हुए हम बनाते जाएंगे। फिर से हम यहाँ पर जॉइन करने के बाद 3 चेन देंगे। फिर हम 3 ट्रिपल क्रोकेट बना लेंगे। फिर हम 3 डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर हम एक स्लिप चेन देंगे। अब इसके मिडिल में एक स्लिप चेन देके इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें जॉइन करना है। ये देखिए, दो साइड से हम जॉइन करेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम दो दो करते हुए सब में जॉइन कर लेंगे एक लाइन से। टोटल हमने यहाँ पर 9 फ्लावर्स लिए हैं। अभी हमें नीचे वाले को जॉइन करने के लिए हम यहाँ पर 2 बना के फिर तीसरे वाले बना के यहाँ पर जॉइन करेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 जगह ही ज्वाइन करने हैं। अब हम यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोकेट बना लेंगे। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोकेट बनाएंगे। यहाँ पर एक स्लिप चेन देंगे और इसके मिडिल में एक स्लिप चेन देंगे। अब यहाँ पर भी एक स्लिप चेन देंगे और 3 डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम 3 ट्रिपल क्रोकेट बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर जॉइन करने हैं। इस फ्लावर में हम जॉइन करेंगे स्लिप चेन देके। इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे। अब हमें 3 चेन्स बनाने हैं, फिर 3 ट्रिपल क्रोकेट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे इसे। अब हमें यहाँ पर जॉइन करने हैं। यहाँ पे हमें 3 जगह जॉइन करने हैं, इधर भी जॉइन करने हैं, इधर भी जॉइन करने हैं, 3 जगह जॉइन करने हैं। इसलिए हम एक कॉर्नर को बनाएंगे, फिर यहाँ पर जॉइन कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन्स देंगे
और 3 ट्रिपल क्रोकेट बना लेंगे। फिर 3 डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर यहाँ पर स्लिप चेन देंगे, यहाँ पर भी स्लिप चेन देके इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे ज्वाइन करने हैं, ये हमने ज्वाइन किया था, अब हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम लेके यहाँ से क्रूस की मदद से हम स्लिप चेन देंगे। ये देखिए इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे, फिर 3 ट्रिपल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया है, सेम ही है ये प्रोसेस। अब हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर 3 चेन्स देंगे, फिर हम 3 ट्रिपल क्रोकेट बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर स्लिप चेन देके ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन किया है नीचे वाले को। यहाँ पर हमें 3 जगह ज्वाइन करने हैं। यहाँ पर हमने 2 बनाया है, फिर और 2 बनाएंगे। टोटल हम नीचे में 4 बनाएंगे, फिर एक गैप छोड़ के 4 फ्लावर्स को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने गैप छोड़ा है, फिर यहाँ पर हमने 4 फ्लावर्स बनाए हैं। इस तरह से सेकेंड लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए थर्ड लाइन में हम 3 फ्लावर्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने 4 किया था, यहाँ पर हम 3 ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें ज्वाइन करते हुए जाना है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। इस तरह से हम दोनों साइड को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमने 4 3, फिर अब हम ज्वाइन कर लेंगे। एक एक करके हमने सब में ज्वाइन कर लिया है। फ्रेंड्स ये तोरण पट्टी है, मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसे बनाना सिखाया था। आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। इस गेट पर्दा के लिए हम ये तोरण पट्टी यूज़ करेंगे। लास्ट में हम ग्रीन कलर से ज्वाइन कर लेंगे इसे। इस तरह से इसके गेप में हमें डबल क्रोकेट बनाने हैं। इस तरह से 1 में 2 फिर 1 में 2 फिर 1 में 2, टोटल हम 6 डबल क्रोकेट बना लेंगे। इस तरह से हमने 6 डबल क्रोकेट बनाए हैं। अब दूसरी साइड में भी हमें 6 बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हमने 6 डबल क्रोकेट बनाए हैं। इस तरह से हमें 6-6 करते हुए डबल क्रोकेट के लाइन बनाना है। इस तरह से हम लंबा करके बना लेंगे। इस तरह से टोटल हमें 40 लाइंस बनाने हैं दोनों साइड। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, हमें उल्टा साइड से ज्वाइन करना है। इसे हम पहले बराबर बैठा लेंगे, सुई की मदद से अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमें कॉर्नर की ज्वाइन करना है।
इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे बांध के। फिर अब हम इस साइड में ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। सुई की मदद से हम अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये सीधा है, हमने उल्टा साइड से ज्वाइन किया है। ये जो हमने ग्रीन कलर की बनाई थी, ये लास्ट स्टेप, इसके बराबर में ही हमने बनाना है। यहाँ से हम लास्ट में इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक एक करके सबको ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस साइड को भी ज्वाइन कर लेंगे। दोनों साइड को ज्वाइन करने के बाद अब हम मिडिल के ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम नाप लेंगे। हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है, पहले हम मिडिल को ज्वाइन कर लेंगे। एक एक करके हमने इसे भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम झालर बनाएंगे। झालर के लिए हमें ग्रीन कलर यूज़ करने हैं। ग्रीन कलर से हम टोटल 20 राउंड्स बनाएंगे। फिर इस यहाँ पे हम बांध लेंगे इस तरह से। इस तरह से बराबर करके इसे बांध लेंगे अच्छी तरह से। अब हमें स्मॉल साइज के मोती लेने हैं, टोटल इसमें 6 डालेंगे। फिर यहाँ पर इसके मिडिल से हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमें सब में ज्वाइन करने हैं। ये देखिए हमें सबने एक एक करके ज्वाइन कर लिया है। अब हमारे इस मिडिल को हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। हमें उल्टे साइड करके मोती को लगाने हैं सुई की मदद से। मोती हम बड़ा साइज का ही लेंगे। इस तरह से हम बांध लेंगे इसे। देखिए सीधा में इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से हमने सब में लगा लिया है। लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते अपने नए वीडियो में। थैंक यू।